जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम देने की घोषणा करने के बाद क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। पिछले बयान के बाद अब एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसके चलते वो सुर्खियों में बने हुए हैं। राज शेखावत ने गुजरात के साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कहा कि कोई कैदी भी उसे मारेगा तो वो उसे इनाम देंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस की जगह अगर कोई कैदी भी लॉरेंस बिश्नोई को मारता है तो उसे भी 1,11,11,111 रुपए की राशि इनाम में मिलेगी। इस बयान पर गोगामेडी की पत्नी शीला ने एक बार फिर करारा जवाब दिया है। शीला शेखावत ने कहा, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में न्याय को लेकर इस बात का कोई वास्ता नहीं है। ये बयान भ्रमित करने वाला है। करनी सेना एक है लेकिन बयान व्यक्तिगत है और केस से ध्यान भटकाने के लिए है। आपको बता दें कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जिनकी पिछले साल 5 दिसंबर को हत्या कर दी गई थी उन्हें लेकर शेखावत ने वीडियो जारी कर लॉरेंस को देश के लिए खतरा बताते हुए कहा था कि इस हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ था। इसके बाद उन्होंने एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम देने की घोषणा की थी। इस पर जवाब देते हुए सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी ने क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत के लिए कहा कि उनका ये बयान सस्ती लोकप्रियता के लिए दिया गया है। गोगामेडी की पत्नी शीला देवी ने कहा कि वो 1 करोड़ क्या 50 करोड़ भी देंगे तो भी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर नहीं हो सकता है क्योंकि बिश्नोई पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस प्रशासन ऐसा नहीं करेगा। इस बयान के बाद एक बार फिर शेखावत की ओर से बयान दिया गया है जिस पर शीला देवी ने करारा जवाब दिया है। यदि पुलिस कस्टडी में वो आदमी है तो उसे मारा नहीं जा सकता। पुलिस ने खुद उसे जेड प्लस सिक्योरिटी दे रखी है तो उसको कैसे मार सकती है। अगर वो फरार होता तो पुलिस के पकड़ने के बाद रास्ते में उसका एनकाउंटर हो सकता था, लेकिन वो प्रशासन की गिरफ्त में है और खुद उसकी सुरक्षा कर रहा है तो उसे कैसे मारा जाएगा। ये बयान सही नहीं है और लोकप्रियता हासिल करने के लिए दिया गया है। शेखावत से कोई संपर्क नहीं है। यदि राज शेखावत सुखदेव गोगामेडी को न्याय दिलाना चाहते हैं तो तब क्यों नहीं आए जब 3 मार्च को न्याय यात्रा निकाली थी। ये कौन सा न्याय है और कैसा न्याय है। आपको पता है कि प्रशासन कभी भी इस बात के लिए सहमत नहीं होगा। 1 करोड़ क्या 50 करोड़ दे दो, ये हमारे संविधान में नहीं है। ऐसा एनकाउंटर पुलिस नहीं कर सकती, भले आप 100 करोड़ दे दो।